नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नगरी मां शुभ स्थान अनेक शुभोपमा लायक पित्र तुल्य विद्या चतुर्जी की सेवा में पत्र पाकर आपको आश्चर्य होगा
मुमकिन है गुस्सा भी आए, लेकिन जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो लिखना शायद आपको धृष्टता लगे। फिर भी अपने बारे में आपसे कोई बात छुपाना और भी पाप होगा। बात यह है कि मैंने पूज्य पिताजी का मन रखने के लिए आपकी पुत्री कुमुद सुंदरी से सगाई की है, लेकिन मेरे जीवन का मार्ग है लोक कल्याण, और लोक कल्याण के लिए मेरे मन में संन्यास की बड़ी लगन है, जो इस सगाई के बाद भी कम नहीं हुई। इसका मतलब है वो शादी भी करेगा और सन्यासी भी रहेगा? हाँ, कितने महान विचार हैं उनके। तू चुप रह। मेरा दिल तो तभी धड़का था जब मंगनी के दिन वो गायब हो गया। लेकिन उसने शादी से इनकार तो नहीं किया? ये तो उसने और भी बुरा किया। आप लोग तो बेकार की पंचायत कर रहे हैं। क्या पता कुमुद को ऐसे ही वर पसंद हो। कुमुद को पसंद हो या ना हो, लगता है तुझे जरूर पसंद है। अब जा यहाँ से। कुसुम, देख कुमुद को इस बारे में कुछ न कहना। मुझे क्या गरज पड़ी है। जो बात मुझसे पूछने की थी वो घर वालों को लिखने की क्या जरूरत थी। पागल, पूछा तो तुम्ही से है लेकिन लिखना तो घर वालों को ही पड़ेगा। मैं कहती हूँ लड़की तेरे पेट में रोटी कैसे दिखती है, क्या लगाई बुझाई कर रही है इससे। लगाई बुझाई करने का मौका ही कहाँ दिया इसने, खुद दीवार से कान चिपकाए खड़ी थी, सब सुन लिया है इसने। अच्छा जा तू, भाजा चल, भाजा मैं चली। और रही रोटी टिकने की बात, तो मैं खाती कितना हूँ। बेटी तू इसकी बातें सुनकर अपना मन छोटा नहीं करना। ये चांद सा मुखड़ा देखकर जवाई राजा के सारे आदर्श धरे रह जाएंगे, समझी। घर वालों के जवाब लिखने से पहले तुम अपना जवाब लिख देना, नहीं तो सर पकड़ कर रोना पड़ेगा। तू फिर आ गई, चल। प्रिया, तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर। क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आई भांजे की चिट्ठी चुराते? और बहू, तेरी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं जो भतीजे की चिट्ठी पढ़ रही है? मुझे क्या मालूम था सासू जी कि कुमुद जैसी सती सावित्री शादी से पहले ही प्रेम पत्र लिखने बैठ जाएगी। अरे ये तो सरस्वती के अच्छे कर्मों का फल है जो उसे इतनी चाहने वाली बहू मिली है। हाँ देखा, बुढ़िया कैसा ताना मार गई। ये चिट्ठी तो पढ़ लेता। किसकी चिट्ठी है दादी माँ? अरे तू पढ़ तो सही। जरा जोर से पढ़ बेटा, मैं भी तो सुनूं क्या लिखा है। प्रिय, तुम्हें मेरी चिट्ठी पढ़कर आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन क्या करूं, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हिम्मत कर रही हूं। ये किसकी चिट्ठी है? ये कैसी चिट्ठियां घर में आने लगी? तू पढ़ तो सही, सब समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन हजार हजार बार तुम्हारी कल्पना की है, तुम्हारे सपने देखे हैं, तुम्हारी किताबों से तुम्हारे विचार जाने हैं, तुम्हारी कविताओं से तुम्हारे दिल की सुंदरता पहचानी है। ये किसकी चिट्ठी है? श्रीमान सरस्वती चंद्र। दादी माँ, वो सरस्वती चंद्र, ये मेरी चिट्ठी नहीं है दादी। क्या बात है चंद्र भाई? अगर पिताजी को मालूम हो गया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। आखिर इसके माने क्या है? अरे
ये तो भाभी की चिट्ठी है, उसको चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? उसको तुमसे प्रेम हो गया है। मुझे ये प्रेम रेम की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं मना कर दूंगा। आज भाभी के खत से वो दिन याद आ गया जब तुमने मुझको पहला प्रेम पत्र लिखा था। हटो जी, 5 बच्चे हो गए, अब भी ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? चंद्रकांत, मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है, ये चिट्ठी तुम खुद ही डाल देना। डाल देंगे साहब। कैसे हो भैया? अभी अच्छा हूँ भाभी। अब क्या होगा? ओहो, इतनी लंबी चिट्ठी। प्यारी कुमुद, बस कुमारी कुमुद देवी, न मैंने आज तक किसी से प्रेम किया है और न आपकी तरह मुझे प्यार और मोहब्बत की बातें लिखना आती हैं। मुझे प्यार की बातें पसंद ही नहीं। ओहो, मेरा प्यार है लोक कल्याण, देश सेवा। आज जबकि गुलामी और गरीबी से देश त्राही त्राही कर रहा है, भारत माता को ऐसे बेटे बेटियों की आवश्यकता है जो सबका मुंह छोड़कर लोक कल्याण में जुट जाए। आज लोक कल्याण के यज्ञ में हमें सारी शक्ति लगा देनी चाहिए, इसलिए मुझे आशा है आइंदा आप मुझे कोई इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखेंगे। सरस्वती चंद्र। जरूरी नोट, अगर आइंदा कोई खत लिखने की जरूरत पड़े तो चंद्रकांत के पते से भेजिएगा। सचमुच तुम दुनिया के सबसे टेढ़े ब्रह्मचारी हो, अभी सीधा कर देती हूँ। ले आ तुम शहनाई।
से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले हाथ से जी भरता ही नहीं अब नैन मिले तो चैन मिले मिले हम मिलने की सूरत लिख दो मिलने की सूरत लिख दो भी हो वो अपने घर आ रहा है किसी को उसे लाने के लिए जहाज पे जाना ही चाहिए रिश्ता ना सही इंसानियत भी तो कोई चीज है कैसी इंसानियत उस सर फिरे से सन्यासी बनना है तो जंगल में जाके धुनी रमाए यहाँ क्या काम उसका दादाजी सरस्वती चंद्र जी पधारे हैं मैं जाता हूँ नहीं पिताजी आपके मिजाज में गुस्सा है आपका जाना ठीक नहीं मैं जाता हूँ देखो उसे बाहर ही बैठाना यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं इसे पिताजी मैं भी जरा देख लेती सुना है बहुत सुंदर कोई जरूरत नहीं मर्द की सूरत नहीं उसके गुण देखे जाते हैं हाँ ठीक है ठीक है आप मेरे यहाँ आने से कुछ नाराज हैं नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं बात दरअसल यह है कि अच्छा हो तुम आ गए अच्छा हो आप मेरे कौन हुए ये तुम्हारे दादा ससुर अब जीने का सबक तो आपसे लेना पड़ेगा दादाजी इस दुनिया में जिसके हाथ में तलवार है वो ही जी सकता है क्या बात कही है मैंने तो शक्ल देखते ही पहचान लिया था कि लड़का बहुत गुणी है तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो विद्या चतुर तो? आओ बेटे आओ सुदन सिंह इनका सामान ऊपर पहुंचाओ नमस्ते नमस्ते मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूं बैठिए आप मैं आप नहीं हूं मैं उसकी छोटी बहन हूं कुसुम जी खाइए ना अभी ये लीजिए जीजा जी अच्छी तरह पहचान लीजिए कुसुम अरे नमस्ते भी नहीं किया दोनों ने नमस्ते आप गलती ना करना जीजा जी यही है जिसने ढेर सारी चिट्ठियां लिखकर आपको यहाँ बुलाया है चुप भी कर और इसी से आपकी मंगनी हुई है और शादी भी तो चुप्पी करेगी या नहीं अरे अब क्यों शर्माती हो
सुबह तो पूछ रही थी कौन सा कमरा है उनका, कहाँ ठहरे हैं वो। अब ये ले, आराम से बैठकर बात कर। कुसुम, आई माँ, आई माँ। कुमुद सुंदरी, कुमुद, जब मैं तुमसे दूर था तो मुझे अपने पास बुलाती थी, अब मैं पास आ गया हूं तो मुझसे दूर रहती हो। तुम मुझे क्यों सता रही हो? मेरे सामने आओ ना, मुझे तुमसे इतनी बातें करनी है, इतनी सारी बातें कि भगवान मुझे 7 जन्म देगा तो भी पूरी नहीं होंगी। कुमुद। नमस्ते। आज बहुत गर्मी है, आप अंदर आइए ना। तुम मुझसे आप कहकर क्यों बात कर रहे हो? नहीं तो मैं तो आपसे तुम करके ही बात कर रहा हूं। बैठिए बैठिए, मेरा मतलब है बैठो बैठो ना। कौन सी किताब है ये? यूं ही एक किताब है। तुमने लिखी है? हाँ लिखी थी। मैं देखूं? मुझे लोक कल्याण के लिए ब्रह्मचर्य की बहुत इच्छा थी ना। जी तुम बैठती क्यों नहीं? बैठो फिर आराम से बातें करेंगे। पहले तुम बैठो। तुमने तो मुझे देखकर कुछ भी नहीं कहा। कहा ना, तुमको देखकर तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारे क्या तुम्हारे तुम्हारे इस कमरे की छत बहुत सुंदर है। छत? दीदी मैं जाती हूँ। मगर मैं तो तुमसे एक बात भी नहीं कर सका हूँ, ना तुमने ही कोई बात की। कहाँ छुप गई हो दीदी? जाती हूँ। सचमुच तुम दुनिया के सबसे प्यारे बुद्धू हो। चौवा अब के सत्ता नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। एक दो तीन चार, एक बार आता अगर अब के नहीं आया तो मैं खेलने छोड़ूंगी। जय राजा नल पूरे साफ दे दे फिर पूछती हूँ जीजा जी का नाम। पूरे साफ साफ साफ, एक दो तीन चार पाँच छह सात, कह जीजा जी काम से। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप खेलिए, मैं आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूँ। मुझे भी प्यास लगी। चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं दीदी तुम बैठो, बहुत बुरी मार खाई है इन्होंने, जरा फल वल खिला तब होश आएगा। चलो सुशीला। खाते क्यों नहीं? तुम खिलाती जो नहीं। कह तो रही हूँ ये सेब खाओ। ला। ऐसे तो भिखारी को भीख भी नहीं दी जाती। छी, ऐसी बातें क्यों करते हो? तो फिर तो जीजा जी लीजिए ठंडा शरबत पी लीजिए। Thank you.
जरा दरवाजा बंद कर देना। कोई सुन लेगा तो दीवाने हो गया हो क्या? हुआ तो नहीं, लेकिन हो जाऊं तो मुझे दोष न देना। चंदन
चंचल